हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों होंडा की यूनिकॉर्न के बारे में, जो कि 160 सीसी की बाइक है, विद एबीएस आती है। आज हम बात करेंगे दोस्तों, अगर आप ये फाइनेंस पे ले रहे हो तो कम से कम डॉक्यूमेंट्स आपको क्या लगने वाले हैं, एंड थोड़ी बहुत स्कीम भी बताऊँगा। कम से कम डाउन पेमेंट्स आपको कितना देना पड़ेगा, मंथली ईएमआई कितना आएगा, एंड इंटरेस्ट रेट कितना पड़ने वाला है, एक्स्ट्रा आपको कितना चार्जेस पड़ने वाले, दो तीन स्कीम आपको बताने वाला हूँ। और हमारे साथ में दोस्तों इंडसइंड बैंक से हैं, जो कि हमारे ये फाइनेंसर हैं। सर, आपका नाम? अनिल कुमार तिवारी। ओके सर जी, पहले आप मुझे ये बता दो कि आपके बैंक के लिए कम से कम क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहेगा, अगर कोई फाइनेंस लेना चाहता तो। ठीक है, देखिए सर, हमारे यहाँ आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड जी, वोटर कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जी। ओके। प्लस बैंक पासबुक चाहिए आपकी। अच्छा, बैंक पासबुक जी, या अपडेट किए हों या तो फिर स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा जी। उसके साथ साथ आपको स्टेटमेंट, मतलब कितने मंथ का लगेगा आपको? मतलब आफ्टर 6 मंथ, छः महीने से लेके 3 महीने तक का आपका देना है। 3 महीने तक का स्टेटमेंट आपको देना चाहिए। और ये भी बता दो साथ में, कम से कम कितना ट्रांजेक्शन होना चाहिए एवरी मंथ? एवरी मंथ सर मान के चलिए कि आपका 10,000 कम से कम ट्रांजेक्शन होता रहे। कम से कम आप लोगों का 10,000 ट्रांजेक्शन होना चाहिए। और एक बात और है दोस्तों, मतलब कभी भी आपका मतलब बैंक जो है अकाउंट में पैसे रहने चाहिए, मतलब एकदम माइनस में नहीं जाना चाहिए। कम से कम 4-5 हज़ार हमेशा बैंक में पैसे रहने चाहिए ट्रांजेक्शन के साथ साथ, तो ये आपके पेपर एक प्लस पॉइंट रहेगा। और सर जी और बता दो क्या क्या लगेगा सर? उसके साथ साथ चेक आपको चाहिए। चेक चलेगा जी? कितने चेक लगेगा सर? चार चेक लगेगा। स्टेट बैंक का रहेगा तो 4 चेक, अदर बैंक का रहेगा तो 5 चेक। स्टेट बैंक का अगर रहेगा तो 4 चेक लगने वाले हैं, अदर बैंक का रहेगा तो 5 चेक लगेंगे। और कुछ बाकी जैसे हमारे यहाँ हमारे इंडसइंड बैंक का अगर चेक रहता है तो एक ही चेक लगता है सर। आपके बैंक का अगर रहेगा तो एक ही चेक लगेगा, जो कि अच्छी बात है जी। और कुछ बाकी रहेगा डॉक्यूमेंट्स सर? डॉक्यूमेंट्स में अगर बाई चांस जैसे आधा चेक नहीं है अवेलेबल, तो उस कंडीशन में हमारे यहाँ है 3 ID आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा, उस आधार पर हम आपको वो कर सकते हैं। छः अच्छा, जिसके पास मान लो अकाउंट ही ना खुला हो तो उसका कैसे मैनेज होगा ये बताओ? सर, जिसके पास अकाउंट नहीं है तो उसके यहाँ हमारे यहाँ आए सर, उसका अकाउंट खाता खुलवाया जाता है, उसको प्रोवाइड करा कर हम लोग फाइनेंस कराते हैं। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात है, अगर जिनके पास अकाउंट भी नहीं है तो ये इनका मतलब 0 बैलेंस पे आप अकाउंट खुलवा दोगे और उसके बाद में आप फाइनेंस करा देंगे, जो कि बहुत अच्छी सुविधा है आपके यहाँ। और ये बता दो, जैसे मतलब किसान हो जिनके पास मतलब ट्रांजेक्शन ना होता हो, बैंक अकाउंट हो लेकिन उन किसान हो, खेती हो अच्छी खासी, तो उनके लिए क्या रहेगा? एग्रीकल्चर में है तो उनके पास ये है कि उनके यहाँ चाहे वो दिखना चाहिए कि पैसा आपका निकाल रहे हैं, किसान हैं, किसानों के लिए छूट है। हमारे यहाँ वो 5,000 या 7,000, 5-6 हज़ार है, 3 हज़ार वो, लेकिन अच्छा, ट्रांजेक्शन हो रहा है हर महीने। अच्छा, उस दशा में भी हम लोग किसान को गाड़ी को प्रोवाइड करा देते हैं। ओके, अगर आपके अकाउंट में अगर आप लोग किसान हो, मतलब आपका ट्रांजेक्शन 3,000, 4,000, 5,000 एवरी मंथ कुछ ना कुछ होता है, एक्टिव रहना चाहिए आपका अकाउंट, तो ये भी फाइनेंस करा देंगे, जो कि अच्छी बात है। जैसे हमारे यहाँ मतलब अगर आधार कार्ड नहीं है तो कुछ ऑप्शन है? जैसे आधार कार्ड नहीं है तो उनके पास वोटर कार्ड होना चाहिए। वोटर कार्ड होना चाहिए और पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इस दशा में भी उनका फाइनेंस हो जाता है। ठीक है, अभी आप एक बार फिर से आप मुझे बता दो डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या क्या, कितने डॉक्यूमेंट चाहिए आपको मेन? पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और DL। ओके, ड्राइविंग लाइसेंस जी, ये 4 में 3 कंपलसरी है। 3 कंपलसरी है। ओके, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड। ओके, बहुत अच्छी बात है। और ये जैसे निवास प्रमाण पत्र ये सब का कुछ जरूरत नहीं पड़ता? निवास प्रमाण का और ये सब कुछ कोई जरूरत कुछ नहीं मतलब। ओके ओके, और ये बता दो कि मतलब ये जो आपका रहता है प्रोसेस, मतलब चेक करने के लिए फाइनेंस के लिए घर पे भी जाते हैं लोग? FI होती है सर, तो जो हमारा बंदा जाएगा FI करने के लिए, भाई उनका घर कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक ठाक दिखना चाहिए। ये फाइनेंस होने के बाद जाते हैं कि फाइनेंस होने के? नहीं सर, जब आप हमें जब यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट देते हैं, सब कुछ क्लियर कराते हैं, तब तक हम गाड़ी अपने को नहीं दे पाते। जब आपके यहाँ हमारा कैंडिडेट जाएगा या FI करके आएगा तभी हम आपको गाड़ी देते हैं। अच्छा, ओके, फाइनेंसर भी जो यहाँ के चेक करने जाते हैं आपके घर पे, मतलब आपका एड्रेस चेक करेंगे, सही एड्रेस है कि नहीं, मतलब अगर उनको एड्रेस सही लगा तो वो फाइनेंस मतलब हो जाएगी, ऐसा रहेगा। वैसे भी आजकल जेन्यून रहेगा तो फाइनेंस हो जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और सिविल स्कोर के बारे में बता दो सर? सिविल स्कोर एक मात्र जैसे 640 कम से कम होना चाहिए। दूसरी बात ओडी ना हो। ओडी का मतलब होता है सर, जैसे आपने किसी बैंक से लोन लिया है तो आप वो बैंक को पैसा नहीं जमा किए हैं। अच्छा, तो वो आपको ओडी जब हम सिविल चेक करते हैं तो आपको ओडी दिखेगी। आपका स्कोर बहुत बढ़िया है, 740 से अगर ओडी है तब उस दशा में भी हम फाइनेंस नहीं कर सकते।
अब समझ में आया इनका कहने का मतलब ये है, अगर आपने लोन नहीं लिया है लेकिन अगर आप किसी दूसरे बंदे का, अपने फ्रेंड या रिलेटिव का आपने लोन उन्होंने लिया, उनके आप गारंटर बन गए हो और उन्होंने टाइम पे मतलब डाउन पेमेंट या फिर मतलब जो भी फाइनेंस ईएमआई नहीं टाइम पे भरा है, तो आपको भी फाइनेंस होने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप लोग नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, किसी को भी मतलब अगर आप गारंटर बनते हो तो वो कम से कम ऐसा बंदा हो जो टाइम टू टाइम ईएमआई अपनी भर दे, ताकि आपको फाइनेंस लेने में प्रॉब्लम हो, जो कि एक अच्छी बात आपने बताई। मैं भी मतलब पहली बार सुना ये, मुझे भी नहीं आइडिया था। और अभी ये बता दो सबसे पहले इसकी प्राइस बता दो, ऑन रोड कितने तक पड़ रही है बाइक? सर ये गाड़ी ऑन रोड पड़ रही है 121,700 रुपये की। अच्छा 121,700 की ये बाइक पड़ रही है। अब इस पर बता दो कम से कम डाउन पेमेंट देंगे तो कितना डाउन पेमेंट? सर कम से कम 50,000 डाउन पेमेंट है, 50,000 रुपीज़। अगर उस दशा 50,000 आप डाउन पेमेंट करते हैं तो आपका जो फाइनेंस होता है और प्रति मंथ के हिसाब से आपकी ईएमआई जैसे बनती है, 23 महीने की किस्त बनती है, तो आपको 4230 रुपया 23 महीने की किस्त बनेगी। हाँ राइट। और 4230 अगर 23 महीने की किस्त बनवाओगे आप लोग तो 4200 कितना देना पड़ेगा? 4230 रुपये आपको मंथली पे करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा? 10.8। और 4230 इतना मतलब पे करने के बाद एक्स्ट्रा कितना पे कर रहे हैं हमारे कस्टमर? जी एक्स्ट्रा पे बता दे रहा हूँ, कैलकुलेट कर लो आप एक्स्ट्रा भी कितना पे करना पड़ेगा, ये भी जानना जरूरी है क्योंकि हर बंदा फाइनेंस कराने के बाद देखता है। वैसे भी एक्स्ट्रा तो पे करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप बैंक में पैसे रखोगे तो जोर जाड़ के उतना ही पड़ने वाला है, 18 से 20 हज़ार जाएगा, इतना तो जाने वाला है फाइनेंस दो साल। हाँ लेकिन ठीक है, टाइम पे आपको बाइक तो मिल जाएगी जैसा आप लोग सोचो। और अगर कोई 17 महीने का कराता है मतलब, तो 17 महीने का भी किस्त हमारे पास है सर। जैसे इन्होंने 50,000 जमा किया है तो उस दशा में भी इनका 5540 रुपये की किस्त बनती है 17 महीने की। तो जी उस दशा में भी इनके 17 से 18 हज़ार रुपये आसपास जाएगा, डेढ़ साल का, डेढ़ साल का एक्स्ट्रा जाएगा जी। और मंथली ईएमआई आपका 5500 रुपये कितना पड़ा? 5540 रुपये जी 17 महीने का जी। और ये बता दो अगर मतलब क्लोज करना हुआ कितने महीने बाद क्लोज? सर आप हमारे यहाँ क्लोज करने का मतलब अगर 6 महीने के बाद आप क्लोज करना चाहते हैं तो आप क्लोज कर सकते हैं, 6 महीने बाद क्लोज हो जाए जी, बहुत अच्छी बात है। और क्लोज होंगे तो मतलब ये इंटरेस्ट रेट मतलब ये डाउन मतलब एक्स्ट्रा नहीं जाएगा इनका, जो भी चार्जेज है, जो भी ब्याज लगा रहा होगा उसमें से 2% इनका काट करके उसके बाद इनका फायदा हो जाता है 6 से 7 हज़ार रुपया। एक बार फिर से बता दो, अगर ये जो 17 महीने की और 23 महीने की था ना, तो दोनों पे इंटरेस्ट रेट क्या लगने वाला है? 10.8 दोनों जी 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 ओके। और अगर कोई 50-60 से ज़्यादा अगर डाउन पेमेंट दे, कम से कम 60-70 के आसपास डाउन पेमेंट, 60-70 डाउन पेमेंट करता है तो उसकी ईएमआई कमाएगी जी। और 60,000 पेमेंट करा उस दशा में सर 3448 रुपये की इनकी 23 महीने की बनेगी ओके। और 4400 को आसपास 4400 का लगभग 17 महीने की बनेगी। एक्स्ट्रा कितना पे करेंगे 23 महीने? ये सर 23 महीने में इस दशा में भी वही सर 16-17 हज़ार रुपये जाएगा, 17,000 जाएगा। और उसमें क्या रहेगा कि उसमें मतलब वही मतलब 15-16 के आसपास जी जी बस इतना जाएगा। और ये बता दो कि उसमें भी क्लोज करने का वही रहेगा 6 महीने बाद क्लोज कर सकते हैं जी। और कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हो तो अपने फाइनेंस के बारे में बता सकते हो? हम ये तो ये कहेंगे कि जो क्लोज कराने का सोचते हैं अपना अगर सिविल बढ़िया रखना है तो क्लोज हम तो यही सलाह देते हैं कि क्लोज ना कराएं। अच्छा, क्लोज क्योंकि उनका सिविल स्कोर बहुत बढ़िया बढ़ेगा अगर वो टाइम टू टाइम अपने किस्त पेमेंट कर रहे हैं तो हर बैंक उनको लोन देने के लिए प्रोवाइड कराएगी उनको जी। और ये बता दो आपके यहाँ ऑफ़र ऐसा कुछ निकलता है जिससे इंटरेस्ट रेट कम होता हो मतलब ऐसा कुछ रहता है? देखिए सर हाँ आता है लेकिन वो समय समय पर आता है सर जी, मतलब जैसे दिवाली में आने वाला हाँ दिवाली पाएगा, ये नवरात्रि में भी हो सकता है, नवरात्रि में जी रहेगा। तो आप लोग अगर बाइक लेने वाले हो तो थोड़ा रुक जाओ और अत्री और दिवाली तक वेट करो और कांटेक्ट करो। मैं इस भाई साहब का मतलब कांटेक्ट नंबर दे दूंगा आप लोगों को, अगर आप लोग यूपी प्रतापगढ़ आसपास से हो तो ये मतलब हर एक बाइक का फाइनेंस करते हैं, होंडा के नहीं हीरो किसी भी बाइक का फाइनेंस आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सारी बाइक का फाइनेंस करते हैं, डिटेल भी आपको दे देंगे। और इस शोरूम का भी एड्रेस आप लोगों को दे दूंगा दोस्तों, यहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हो, यहाँ पर आपको होंडा की सारी बाइकें मिल जाएगी। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताओ, जो भी नहीं समझ में आया हो आप लोग कमेंट करो। और मैं इंस्टाग्राम पर हूँ दोस्तों, आप लोग जाके मुझे वहाँ पर कमेंट करो, मैसेज करो, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा दोस्तों, मैं सबको रिप्लाई देता हूं, किसी का भी ऐसा नहीं है कि मैसेज देख के ऐसे मैं छोड़ देता हूं, सबको रिप्लाई देता हूं। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे जाओ फॉलो करो एंड साथ में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे शेयर करो, मैं जरूर उसका आंसर दूंगा और बताऊंगा आप लोगों को। तो दोस्तों यहां तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जय हिंद।